कोरोना महामारी पिछले वर्ष की तुलना में एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप प्रशासनिक महकमा लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। लिहाजा कमर कस तैयारी के बीच जिला कलेक्टर अनुग्रह पी, पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह, SDM सत्येंद्र सिंह सहित समस्त प्रशासनिक महकमा सड़कों पर उतरा और आमजन को मास्क लगाने की प्रेरणा देकर सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए चालानी कार्रवाई की। इस दौरान कंटेनमेंट क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। SDM सत्येंद्र सिंह ने बताया कि शासन की मंशा अनुरूप बढ़ते संक्रमण को रोकने का युद्ध स्तर पर हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जिसे निश्चित तौर पर महामारी से निपटने में सफलता प्राप्त होगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जिले के पुलिस कप्तान दोनों आज निकले थे शहर में भ्रमण करने के लिए। आपको जैसा कि पता है कि पिछले 24 घंटे में जो हमारे जिले में कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या वो 69 है और अकेले केवल खरगोन शहर की जो पॉजिटिव केसेज हैं वो 28 है। ये चिंता का विषय है। तो जिले के दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने संदेश देने के लिए जनता को कि कम से कम अपनी सुरक्षा आप स्वयं करें, मास्क पहनें, अपने को सुरक्षित रखें, सुरक्षित बाज़ार में जाएं, दैनिक चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अपने को सुरक्षित रखें, परिवार को रखें और दूसरे लोगों को रखें। आज भी देखा गया कि काफ़ी लोग बिना मास्क के घूम रहे थे, उनके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई भी करी। कुछ दुकानें भी हम लोगों ने बंद करवाई जहां दुकानदार या जो ग्राहक उनके बैठे थे वो बिना मास्क के बैठे थे। तो आपके माध्यम से मैं पुणे शहरवासियों से भी अनुरोध करता हूं कि कोरोना की संख्या निरंतर बढ़ रही है, इसलिए आप स्वयं भी जो है सो कि उसके प्रति सुरक्षित रहें और दूसरे को भी आप अनुरोध करें कि वो भी मास्क पहन करके ही दुकान में आए। और ये ठेले वाले हैं जो मार्केट में, करना अब इसी अनुक्रम में जैसे जो ठेले बेतरतीब तरीकों से शहर के चारों तरफ है, भीड़ को नियंत्रण में लाना बड़ा मुश्किल होता है पुलिस के लिए, ट्रैफिक के लिए, और भीड़ के कारण ही ये कोरोना की संख्या भी बढ़ रही है। तो अभी अल्पकालिक दृष्टि से 2-3 जगह हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और जितने भी हाथ ठेले वाले हैं उनको हम लोग अभी शिफ्ट करेंगे। सब्जी मंडी की और इसी के अनुक्रम में कल कलेक्टर मैडम ने जो व्यापारी संघ है उनकी 11:30 बजे बैठक कलेक्टर सभागृह में बुलाई गई है और 12:30 बजे हाथ ठेला संचालकों को भी हम लोगों ने बुलाया है और ये कलेक्टर मैडम के द्वारा समझाइश भी दी जाएगी और कलेक्टर मैडम के द्वारा जो इसकी रूपरेखा बनाई गई है वो भी लोगों को अवगत कराया जाएगा और हम लोग उसको क्रियान्वित करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।